छत पे। गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के 7 छत्ते लगे थे। आते जाते राहगीर भिन-भिनाती मक्खियों के डर से तेजी से वहां से गुजरते। आसपास रहने वाले गांव वाले नजर लगाए रखते कि कब शहद टपकेगा, कब तुड़ाई होगी। बच्चे रोज पत्तों के कोने बनाकर रखते, कौन जाने कब शहद टपकने लगे, किस दिन शहद तुड़ाई हो जाए। रोज दोने बनाते, रोज दोने मुरझा जाते। होठों पर जीप फेरकर मन ही मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते। उस दिन गांव में हलचल मची थी, आज रात शहद थोड़ी जानी थी। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे थे, कहीं रस्सी से झूले बना रहे थे, कोई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़े लपेटकर धुर्रा बना रहे थे। तेल की कुप्पी में तेल भर दिया है, टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं, मुंह बंद करके डाट बना रहे हैं, काम वाले कामों में लगे हैं और बाकी पतियाने में। पुराने किस्से कहानी हो रहे हैं, एक बार क्या हुआ, कैसी विकट समस्या आ गई थी, कैसे सुलझाई गई, शूरवीरों की बढ़ाई बखानी जा रही थी। कहने वाले कहने में मग्न थे, सुनने वाले सुनने में मग्न थे। रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। इंतजार करते करते बच्चे सो गए। शहद तोड़ने वालों की टोली निकली, पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े, डालों में झूले बांधे और दुर्रा लेकर कुछ लोग छत्तों की तरफ बढ़े। हमला हुआ, थोड़ी देर भगदड़ मची, गमछे ओढ़कर जो जहां था वहीं दुबक कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चटपटी आवाज के साथ छत्तों से शहद टपकने लगा। पीपों के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे थे, कोई उंगली चाट रहे थे, कोई हाथ। जिनको मक्खियों ने काट खाया था वो खुजला भी रहे थे। एक दो थोड़े सूज फूल भी गए, पर सब मौज में थे। सवेरे गांव में शहद बंटवारे की पंचायत जुटी। बच्चों ने चखकर शहद रोटी खाई, किसी किसी ने शहद पराठों का मजा लिया और शीशियों में शहद भर भर कर लोग घर ले गए। मोम कुछ नहीं इकट्ठा किया, आज का दिन त्योहार की तरह लग रहा था।